मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ। हाँ, आपने सही सुना, मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ। मैं हूँ तो इस देह का वजूद है, और इसमें से निकल जाऊँ तो कुछ काम का नहीं ये देह। हाँ, मैं जन्म और मृत्यु से पर हूँ। मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, और ऐसी कितनी ही शक्तियां हैं मुझ में। पर यह सब जानने और अनुभव करने के लिए जाने क्यों इतने साल, इतनी सदियां और इतने युग बीत जाते हैं। आंख को कभी बताना नहीं पड़ता कि तू आंख है, तेरा काम देखना है। कान को नहीं बताना पड़ता कि तेरा काम सुनना है। तो मैं आत्मा हूँ इस बात को समझने के लिए अनंत जन्म लग जाते हैं। और ये स्वाभाविक तरीके से क्यों नहीं होता कि हम पैदा होते हैं तो हम ये समझ के आते हैं कि मैं आत्मा हूँ? उसको नहीं हो, ये 1 माइल से 100 माइल तक रहता है, तो फर्स्ट माइल वाले को कितना भी बोलो नहीं हो, और 95 पे आया उसको ही फिट होगा आत्मा की बात। तो वहां तक दूसरा अनुभव लेता है ना। नहीं देखो, कोई जुआ खेलता है, कोई दारू पीता है, कोई चोरी करता है, उसको बोलो कोई मारा मारी करके चोरी करेगा, लोगों को मारेगा, काटेगा और बाद में पैसा उठाएगा, ऐसे भी करने वाले हैं दुनिया में जी। तो ये किसने सीखा? तो उसके पास अज्ञान है। तो आत्मा का अज्ञान अशुद्ध ज्ञान है, बाद में अशुभ ज्ञान है, शुभ ज्ञान है और शुद्ध ज्ञान। तो अशुद्ध ज्ञान में मारेगा, हिंसा करेगा, खत्म करेगा, करते करते बहुत अनुभव होगा ये गलत है, तो अशुभ ज्ञान में आएगा। अशुभ ज्ञान में भी अनुभव लेके आएगा कि नहीं ये भी गलत है, शुभ ज्ञान में आएगा, लोगों को हेल्प करे, दान करे, सेवा करे, परोपकार करे, उससे भी बाद में लगेगा ये भी पुण्य भोगतना के लिए भटकना पड़ता है। शुद्ध ज्ञान में आया ज्ञाता दृष्टा परमानंदी, तो मोक्ष लेता है। ये ज्ञान बदली जा होता है, और संयोग के निमित्त से, अनुभव के आधार से। और खुद तो आत्मा मुक्त ही रहा है, उसका अज्ञान से भटकता है, ज्ञान से मुक्ति पाता है, कुदरती है।